इट इज डिफिकल्ट, काफ़ी प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है। चले मैं ऊपर से चलता हूँ, ऊपर साइड का आप सभी को व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी प्यारा व्यू, गंगा माँ का दर्शन कर पाएंगे यहाँ से, और यहाँ का जो आगे है ना कभी भूलता नहीं, ऐसा लोग बताते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है सूरज, स्वागत करता हूँ सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं काशी विश्वनाथ धाम का जो गंगा नदी के साइड का गेट है, ठीक है, उसको आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। क्योंकि अभी ये नया बना है तो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कैसा बना है, कैसा क्या नज़ारा है, जो भी है ए टू जेड आप सभी को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहेगा लास्ट तक, चलिए चलते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक लीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं यहाँ से कुछ व्यू दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से कुछ अलग ही व्यू हमें देखने को मिल रहा है, सबसे अच्छा सबसे प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आएंगे आप सभी को कुछ अलग ही व्यू देखने को मिलता है, सबसे अलग ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है। और यहाँ पे मोस्टली शाम के टाइम देखेंगे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। तो अगर आप सभी का कभी मन हो घूमने टहलने के लिए या कभी गंगा घाट आरती में शामिल होने के लिए, तो शाम के टाइम आइएगा, आप सभी को कुछ अलग ही व्यू देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ के आया तो यहाँ पे देख रहे हैं लोग ऊपर रहते हैं, और जैसे पहाड़ नहीं होता है उस तरह से है, और दिख रहा है काफ़ी ऊपर घर है, कुछ टूटा फूटा दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सामने कुछ फॉरेनर भी आए हैं घूमने टहलने, बच्चों को बच्चों से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी बड़ा नाव बनाया जा रहा है, और इस तरह से देख रहे हैं काफ़ी नाव का पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपसे बताना चाहूँगा मैं मोस्टली बनारस आता रहता हूँ, लेकिन यहाँ इस जगह पे मैं बहुत कम ही आ पाता हूँ, तो आज टाइम निकाला हूँ, तो आज मुझे लगा चलिए ब्लॉग भी बनाते हैं प्लस हम घूम टहल लेते हैं, ये सब देखते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। बाकी आगे हम जो भी होगा आप सभी को दिखाएँगे बताएँगे, बने रहिएगा लास्ट तक। दोस्तों अभी देख रहे हैं यहाँ से आप सभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए कुछ राउंड में इस तरह से बनाया गया है नहाने के लिए। और वहीं अगर बात करें तो उधर सामने दिख रहे हैं कुछ पिलर जैसा दिख रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 पताका पिन लगाया गया है। चले मैं पास से आप सभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो फाइनली मैं उस स्थान पे आ चुका हूँ, सामने देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर काम लगा हुआ है, और इधर देखिए कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, और यहीं से देख सकते हैं पुल के जैसा बनाया गया है उधर जाने के लिए नहाने के लिए, मतलब अगर लोग आते हैं यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, नहाने के बाद यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ, बिल्कुल देख रहे हैं स्टेयर के पास हूँ, और यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह से नज़ारा देखने को मिला है, काफ़ी प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है। चले मैं ऊपर से चलता हूँ, ऊपर साइड का आप सभी को व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। और मैं अभी थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ के आया दोस्तों देख सकते हैं यहाँ सामने मणिकर्णिका घाट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल विश्वनाथ का मेन गेट हमें दिखाई दे रहा है, काफ़ी प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है। और बहुत कुछ बदल गया है, पहले जब आपसे बताना चाहूँगा लास्ट टाइम मैं होली के दिन आया था, ठीक है, मसाने की होली का वीडियो मैंने डाला था, अगर आप सभी ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, ये देखिए सामने। तो दोस्तों देख रहे हैं काफ़ी कुछ बदल गया है, पहले ये घाट कुछ और था लेकिन अभी देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में कुछ और देखने को मिल रहा है हमें, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना आवाज़ कर रहा है। अब यहाँ पे लोग आएंगे स्नान करेंगे और यहीं स्टेयर से क्या करेंगे विश्वनाथ धाम के लिए चले जाएंगे। तो आप सभी को मैंने इधर का सीन दिखा दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे के साइड चलते हैं और वहाँ से आप सभी दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसा यहाँ का नज़ारा है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। बिल्कुल जो काशी का घाट है उसी के जस्ट बगल में देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बताया जाता है हमेशा मतलब लास्ट जलता रहता है, 24 घंटे आएंगे यहाँ, मतलब यहाँ का जो आगे है ना कभी बुझता नहीं, ऐसा लोग बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमेशा 10, 12, 15, 20 ऐसे लाशें जलाया जाता रहता है हमेशा। और आपसे भी दिखाना चाहूँगा, देखिए ये स्टेयर, इसके पहले मैं आया था तो नहीं बना था लेकिन अब बन के खाने के लिए तैयार है। अभी मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि मैं अभी स्टेयर के ऊपर चल रहा हूँ, और स्टेयर के ऊपर से आप सभी को थोड़ा सा सीन दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, और फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस होता है जाहिर सी बात अच्छा ही होता है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ से आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा चारों तरफ का भी। दोस्तों ये मेन गेट है, अगर आप काशी विश्वनाथ धाम के लिए अगर आते हैं तो यही मेन गेट है, इधर से ही लोग आया जाया जाया करते हैं। और यहाँ से देख रहे हैं टॉप भी, और बहुत कुछ ही बदल गया है दोस्तों। और यहाँ से सबसे अच्छी बात है प्यारा व्यू हमें देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं काफ़ी प्यारा व्यू, गंगा माँ का दर्शन कर पाएंगे यहाँ से, और जो लोग स्नान के लिए आते हैं स्नान भी कर पाएंगे यहाँ से, और स्नान करने के बाद सीधे यहाँ देख सकते हैं सामने गेट है, इस गेट से आप जा सकते हैं विश्वनाथ धाम मंदिर के लिए।
सो दोस्तों फाइनली मैं नियर बाई एकदम गेट के पास हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से नज़ारा दिख रहे हैं और ये अंदर का व्यू देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं विश्वनाथ धाम अंदर का नज़ारा दिख रहे हैं, कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। और अंदर अलाउ नहीं है दोस्तों, नहीं मैं अंदर भी चल के आपको भी दिखाता। फिलहाल आप सभी को मैं यहीं से दिखाना चाहूँगा। दोस्तों आपसे बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आया तो आपसे बताना चाहूँगा कि मैं यही देखने के लिए आया था कि कितना काम हुआ है, कैसा क्या हुआ है। साथ में आप सभी को मैंने दिखाया बताया, तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ भी अभी देख रहे हैं काम चल रहा है, देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब फाइनल हो जाएगा तो मैं एक वीडियो और जल्दी से जल्दी लेके आने की कोशिश करूँगा। और यहाँ देख सकते हैं लोग दूर दूर से आते हैं शिव दर्शन करने के लिए। ये मेन गेट का नज़ारा है। तो दोस्तों आप सभी को मैंने काशी विश्वनाथ धाम का जो गंगा साइड का नज़ारा था आप सभी को मैंने दिखाया है, और कितना बन के तैयार हुआ जो भी हुआ आप सभी को मैंने दिखाया बताया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर।